आज पूरे देश के जमीनों को बेचने का काम कर रहे हैं, आज पूरे देश के संस्थान को बेचने का काम कर रहे हैं। अंडर प्रेशर, प्रेस के ऊपर भी प्रेशर है, किसान के ऊपर भी, जो फार्मर्स है, जो खेडूत है, उसके ऊपर भी प्रेशर है। नौजवानों को रोजगार देने की बात करी थी, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात करी थी, बेरोजगार कहां गए? ट्रैक्टर से आंदोलन करना पड़ेगा, किसानों को निकलना पड़ेगा। और यहाँ पे आजादी मिली थी देश को, यहाँ से तो आजादी की लड़ाई शुरू हुई करेंगे। और ये खेडू समाज झंडा लेके दिल्ली की तरफ कुछ लगा, ये छुप कर नहीं चलेगा, ये तो आंदोलनकारी स्थल है। जिस हिसाब से गुजरात का जो खेडू समाज है उसकी जमीन ने लूटी जा रही है, उसको भाव यहाँ पर नहीं मिलता, वो आंदोलन करता है तो जेलों में डाला जाता है। दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, 3 कानून भारत सरकार लेकर आई है, उससे खेडू समाज का, पूरे देश का नुकसान होगा। MSP पे कानून नहीं है, उसकी कानून गारंटी दें। और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जब वो फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन थे, जब वो मुख्यमंत्री थे यहाँ के, 2011 में एक कमेटी बनी थी, उनकी कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी ये था कि हम MSP पे अगर हमारी सरकार आएगी तो गारंटी कानून बनेगा, ये रिकमेंडेशन उनकी थी। और ये भी उनका ये स्पीच, इसी जगह से उन्होंने स्पीच दी, ये दिया कि जो लागत किसान की आएगी, वो बीज की आएगी, खाद की आएगी, दवाई की आएगी, उसकी लागत आएगी, तो उस पर 50% हम जोड़कर उसका मुनाफा किसान को दिया जाएगा। अधिकारी अगर उनको तंग करेगा तो उनको तंग नहीं होने दिया जाएगा, अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जब हमारी सरकार आ जाएगी। आज उनकी सरकार आ गई है, जो उन्होंने यहाँ पे कहा था, जब आडोली से जो कहा यहाँ पे सरदार पटेल की कर्मस्थली से कहा, उस बात को आज बंद है, आज वे देश के प्रधानमंत्री है। इसलिए हम यहाँ पाए कि जो उनकी पुरानी स्पीच है वे आप सुनो, जो उन्होंने कहा उस पर काम करें। आज पूरे देश के जमीनों को बेचने का काम कर रहे हैं, आज पूरे देश के संस्थानों को बेचने का काम कर रहे हैं। अंडर प्रेशर, प्रेस के ऊपर भी प्रेशर है, किसान के ऊपर भी, जो फार्मर्स है, जो खेडूत है, उसके ऊपर भी प्रेशर है, और जो व्यापारी है उसके ऊपर भी प्रेशर है। नौजवानों को रोजगार देने की बात करी थी, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात करी थी, बेरोजगार कहां गए? तो ये सारे चीजों के लिए आए हैं। और देश में बड़ा आंदोलन दिल्ली में चला हुआ है, 4 महीने से ज्यादा किसानों को हो गए, जो खेडूत समाज है उसको 4 महीने से ज्यादा हो गए। तो यहाँ के भी, गुजरात का भी खेडू समाज से है कि वे दिल्ली आए, आंदोलन का हिस्सा बने और अपने यहाँ पे भी आंदोलन की शुरुआत करें। रणनीति ये है कि यहाँ को जो खेडू समाज है इसको जागृत करेंगे। और ये खेडू समाज झंडा लेके दिल्ली की तरफ कुछ लगा, ये छुप कर नहीं चलेगा, ये तो आंदोलनकारी स्थल है, छुप कर कैसे जाएगा? कि ये वहां से आबू रोड से बैठता है छुप के, पुलिस का जो प्रेशर है वो यहाँ पे है, अगर कोई यहाँ पे माला डालने आ रहा है तो पुलिस उसको जाकर दबोचती है। तो ये पुलिस प्रशासन है, इन्होंने एक ही भाषा अभी जानी, पिछले 20 साल में एक ही भाषा इन्होंने जानी है, अब वो भाषा इनको चेंज करनी पड़ेगी। वो भाषा देश में, गुजरात में नहीं चलेगी, गुजरात भी हिंदुस्तान का ही एक अंग है। ट्रैक्टर से आंदोलन करना पड़ेगा, किसानों को निकलना पड़ेगा। और यहाँ पे आजादी मिली थी देश को, यहाँ से तो आजादी की लड़ाई शुरू हुई, ये वही तो है जो बारडोली आंदोलन शुरू हुआ, सरदार पटेल की ये कर्मस्थली है, यहाँ से ही आंदोलन शुरू हुआ। और एक ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, आज तो बहुत कंपनियां आ गई बाहर की, उन सब कंपनी के खिलाफ ये आंदोलन फिर शुरू हो गए। और जो खेडूत समाज है ये इसकी अगवानी करेगा। हम इसलिए आए, इनसे अपील करने आए, इनको जोड़ने आए, इनको कहने आए कि डरने की जरूरत नहीं, झंडा हाथ में लो और आगे बढ़ो। किसानों को संदेश ये है कि ट्रैक्टर से ये आंदोलन अब चलेगा, पहले गाड़ी से चला, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गाड़ी से आंदोलन करा, अब ट्रैक्टर से आंदोलन होगा, गाड़ी से नहीं होगा। अब गाड़ी तो ज्यादा दूर चल नहीं सकती ना, ट्रैक्टर पे लगेगा झंडा लगा के चलेंगे, किसान का, खेडू समाज का झंडा लगा के किसान निकलेगा, अपने घर से निकलेगा और आंदोलन करेगा। कम मिल रहा है गन्ना, किसान का रेट वो है कम है पूर्ण रूप से, और ये रेट बढ़ना चाहिए तो पूछना पड़ेगा ना, आमदनी दुगनी का कौन सा फार्मूला है? लागत बढ़ेगी, फसलें कम रेट पे बिक्री और आमदनी दुगनी होगी, वो जो मैथ का टीचर है उससे हमको भी तो मिलना है ना, कहाँ है रहता है, एकजुट नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, एकजुट हो जाएगा, धीरे धीरे बताता है, एकजुट होगा। आज यहाँ पे आए हैं तो आंदोलन की शुरुआत होगी, और खेडूत समाज एकजुट होगा, आंदोलन करेगा, किसानी का झंडा लगा कर आंदोलन करेगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें,
शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी।